आगे हम ग्लोबली को अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का है कि हम लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे थे। प्रीवियसली हमने क्या किया था, होम पेज पे कुछ डेटा शो किया था, ये देखिए ना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को शो कर लिया था, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स फॉर यू, ये प्रोडक्ट्स वगैरह शो कर लिया था। अब हमें थोड़ा सा एम्प्लॉय पैनल में काम करना है, तो अपने एम्प्लॉय पैनल को जरा ओपन कर लीजिए। मैंने इससे एम्प्लॉय पैनल को ओपन किया, तो जो हमारे कैटेगरी शो के सेट हो चुका है उसको हमें यहाँ पर शो करना है सबसे पहले। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, यानी कि इसका जो कोड था उसमें हमें थोड़ा चेंजेस करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा फीड हो चुका है, यानी कि जो डेटा यहाँ पर शो हो रहा है उसको यहाँ पर शो कर देंगे। इससे ये पता चलेगा एम्प्लॉय को कि कहाँ कहाँ पर फोटो अपलोडेड है, ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए आपको एम्प्लॉय के अंदर आना होगा, यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जाइए और एम्प्लॉय डॉट एच टी एम एल को ओपन करिए। इसके अंदर नहीं, डायनेमिक फोल्डर के अंदर से चलिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे, लेकिन पहले तो इंडेक्स एम्प्लॉय डॉट जेएस इसको ओपन कर लीजिए और देखिए कि कहाँ पर आपने काम किया था शोकेस के लिए। तो ये देखिए क्रिएट शोकेस फंक्शन, ये रहा आपका, यहाँ पर सारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले यानी कि जो आपका ये देखिए एरे बना, उसके बाद आपका ऑल शोकेस डेटा आपने निकाला, यूआरएल निकाला, ये है शोकेस कैटेगरी हाइफन प्रीव्यू, इसके नीचे काम करना। तो यहीं पर जहां पर मैं कर रहा हूँ वहीं पर आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन करिए डी डायनेमिक, यानी कि रीडिंग रीडिंग लिखे शोकेस, रीडिंग शोकेस फ्रॉम लोकल फ्रॉम लोकल स्टोरेज, इसे इसमें कमेंट पास करते हैं, इसके जस्ट नीचे रेट करने का काम करेंगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो डेटा है इसको चेक करना है। हम ये चेक करेंगे कि इसमें अगर डेटा है, यानी कि ये जो हमारा एरे है इसके अंदर अगर डेटा है तो हम कुछ अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो इफ कंडीशन पास करिए तरीके से, इफ जो हमारा ऑल शोकेस डेटा है, हमारा ऑल शोकेस डेटा ये है, अगर इसके बराबर किसके चेक करेंगे हम, डॉट लेंथ इसकी चेक कर लेंगे, डॉट लेंथ डिफाइन करिए तरीके से, इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अगर इसकी लेंथ जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर जीरो से छोटी है तो यहाँ पर एल्स में काम करेंगे। तो एल्स में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ये जो शोकेस प्रीव्यू है आपका क्या है, इसमें क्लास शोकेस कैटेगरी, हाँ इसको यहाँ पर आइए, शोकेस कैटेगरी इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, एल्स में जाएंगे डॉट लाके, डॉट लाके इनर एक्सटेमल डिफाइन करेंगे सर, और एक बैक टिक का सिंबल देना आपको, फिर से टर्मिनेट कर देना और यहाँ पर इंटर कर देना। इसके अंदर क्या डालना मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जितना भी कोड है इसके अंदर, यानी कि जो आपका कैटेगरी शोकेस डिजाइन, इसको ओपन करिए जरा, और इसके अंदर जो रो होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो रो है इसके अंदर जैसे कॉलम भी फोर और ये वाला कॉलम भी फोर, ये वाला कॉलम भी फोर, यानी कि तीन कॉलम भी फोर होंगे। इसको यहाँ से आपको कंट्रोल सी कर लेना या फिर कंट्रोल एक्स कर लीजिए। अगर आपने कंट्रोल एक्स कर लिया यहाँ से तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, और जो आपने कंट्रोल एक्स किया है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, यानी कि देखिए इसके बैक टिक के अंदर हम यहाँ पर डाल लें कंट्रोल भी, ठीक है। मैंने दिखाने के थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं चीज को, तो ये बड़ा कोड होगा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, मैंने फिर से अरेंज कर दिया, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो अभी भी आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि जो आपका एरे उसके अंदर डेटा है, यानी कि जब डेटा नहीं रहेगा तब ये चलेगा, ठीक है। अभी डेटा है यहाँ पर तो यहाँ पर काम होगा आपका, तो इसी कोड को यानी कि ये जो पूरा इनर एक्सटेमल इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कंट्रोल भी करना। तो अभी ये यहाँ पर दिखने लगेगा क्योंकि उसमें डेटा है, तो ये दिखने लगेगा, देखिए दिखना चाहिए लेकिन कैश क्लियर कर लेंगे तब ये दिखेगा। तो यहाँ से जरा कैश क्लियर करिए इस तरीके से, मैंने कैश को क्लियर किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया कैश को, देखिए जरा कैच क्लियर हो गया, रिलोड करिए जरा इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर डेटा दिखने लगा। कहने का मतलब ये जो डेटा दिखा अभी आपको ये इसी के वजह से दिख रहा है, अगर हम इस इफ के अंदर ये कोड ना लिखें तो नहीं दिखेगा, कंट्रोल एक्स कर लिए, क्योंकि इस एरे के अंदर डेटा है, इसकी जो लेंथ है वो जीरो से बड़ा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, देखिए नहीं दिखेगा, है ना। अब यही चीज आप यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दीजिए जरा, तो मैंने कंट्रोल जेड किया, उसके अंदर थोड़ी देर में काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो शो करना है, यानी कि रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, तो देखिए अगर फोटो अपलोड हो चुका है तो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर हमने कोड किया था डायरेक्शन को, मतलब डायरेक्शन को एग्जामिन करके फोटो को शो किया था, तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि डायरेक्शन को एग्जामिन करके फोटो शो कर देना है। तो डायरेक्शन एग्जामिन हमने कोड कर रखा है, उसके लिए ये होगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यानी कि जो आपका होम पेज वाला इंडेक्स है उसके अंदर से जेएस फोल्डर ओपन करेंगे और इंडेक्स डॉट जेएस को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। इसके अंदर आपका वो कोड है, तो देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ना, ये आपने डायरेक्शन वाला कोड किया था, तो जो फॉर लूप मिनिमाइज होगा, ये फॉर लूप इसको मिनिमाइज कर लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर का पूरा कोड यानी कि यहाँ तक शोकेस शो कैटेगरी के नीचे का जितना भी कोड होगा, यानी कि फंक्शन नहीं लेंगे, बस इसके अंदर का देख लीजिए जरा ध्यान से, ये फॉर लूप पूरा और ये ऊपर का जो वेरिएबल आपने एम्प्टी वेरिएबल बनाया था सभी के लिए, वो कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, कॉपी करना है कट नहीं करना है, इसको कट कर देंगे। उसके बाद इम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको यानी कि जो आपका इफ आपने लगाया है लेंथ, आप इसके इसी के अंदर यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाए, इसके ऊपर शोकेस कैटेगरी के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, बस इतना करना है आपको। ये हमने थोड़ा अरेंज कर लेना चीजों को, यहाँ पर जाता हूँ मैं इस तरीके से, थोड़ा अरेंज करता हूँ ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर इस पर आगे हमारा ये बात है ना, इसको मैंने अरेंज किया था, ठीक है, तो आपको भी अरेंज कर लेना है। उसके बाद सारा यहाँ पर एग्जामिन होके चला जाएगा उसके अंदर, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए।
अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, जैसे मैं आपको अभी एक यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए जो इमेज है यहाँ पर आपको ये चीज हटा देना है यहाँ से, और डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर टच करना, और यहाँ पर टी लेफ्ट इमेज इसका यूज करना है, और जो टेक्स्ट होगा ये जो इनपुट फील्ड में इसके वैल्यू डिफाइन करना है तो वैल्यू डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर टच करेंगे इस तरीके से। देखिए सावधानी से करेंगे आप लोग, टी लेफ्ट लेबल ये हम डिफाइन कर देंगे तो इसमें लेबल का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम रिलोड करें टेस्टिंग करने के लिए तो देखिए यहाँ पर फोटो आना चाहिए, देखिए फोटो आ गया उसमें लेबल का वैल्यू आ गया, ठीक ये हो गया, यही चीज हमें करना है सभी में, ठीक है। तो जिसमें फोटो आ रहा है उसका ये चीज नहीं दिखना चाहिए, यानी कि जो ऊपर का ये वाला पार्ट है ये नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका डिव है पोजिशन रिलेटिव वाला, जो उसके नीचे वाला जो डिव है जिसमें सेट हाइफन एस एन लगा, उसमें डी हाइफन नन लगा, डिस्प्ले नन अगर आपने लगाया इसमें तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखे ना, ये नहीं दिख रहा, तो इसको हमें नहीं दिखाना है। अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये दिखने लगेगा, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। तो ऐसा हमने कोड कर रखा है, इसके लिए सभी में शो करना है तो एक एक करके सभी में शो कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, सबसे पहले ये आपका इनपुट फील्ड इसमें वैल्यू कीवर्ड लगाइए, इस तरीके से वैल्यू कीवर्ड डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर कर करेंगे, और ये आपका बी लेफ्ट लेबल है तो बी लेफ्ट लेबल इसे डिफाइन करेंगे। उससे पहले जो शेडो वाला है उसके अंदर जरा डी नन लगा दीजिए, तो डी नन यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है हो जाएगा। उसके बाद आपको इमेज हटाना है, यहाँ से ये वाला इमेज हटा देना है, और डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल कर दूंगा, और बी लेफ्ट इमेज, बी लेफ्ट इमेज इसका यूज कर लेना है, बस इतना करना है। इसके जस्ट नीचे ये शेडो वाला है, पहले तो डी नन लगा दीजिए, डी हाइफन नन डिफाइन करेंगे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो इनपुट फिर इसमें वैल्यू कीवर्ड लगाएंगे इस तरीके से, और इक्वल टू का सिंबल देंगे, तो वैल्यू डिफाइन करना है ध्यान से, कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो आपसे, ये जो मैंने डिफाइन किया। और यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल कर देंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम क्या डिफाइन कर देंगे इसमें, ये आपका सेंटर वाला, तो सेंटर लेवल डिफाइन कर दीजिए, तो सेंटर में डिफाइन कर दिया लेवल, और यहाँ पर आएंगे मैंने इसको चेंज किया डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर करते हुए, यहाँ पर सेंटर इमेज को डिफाइन कर देंगे, सेंटर इमेज यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। अभी हम रिलोड करें तो ये दोनों फोटो दिखना चाहिए और सेंटर वाला दिखना चाहिए, रिलोड करिए जरा, ये देखिए सेंटर वाला दिखा और ये फोटो दिखा, इस पर कोई भी वाला अपलोड का आइकन नहीं दिखा क्योंकि हमने डी हाइफन नहीं लगा रखा है। इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, ठीक है ये हो गया। इधर दोनों में प्रेजेंट करना है तो इसके नीचे वाला ये क्वालिटी फोर बचा, इसमें सबसे पहले डी नन लगाइए यहाँ पर शेडो के बाद, तो डी हाइफन नन लगा देंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो वो कंटेनर है अपलोड वाला वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लगाना है, तो वैल्यू कीवर्ड करते हैं ठीक है, और यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर करते हैं, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर सारी चीजें लिखनी है ध्यान से, टेम्पलेट लेटर कट करिए, और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, ये आपका होगा टी राइट इमेज, सॉरी टी राइट लेबल हो जाएगा, तो इसको डिफाइन करिए टी राइट लेबल। उसके बाद जो इमेज होगा वो टी राइट इमेज हो जाएगा, तो यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर करते हैं से, और टी राइट इमेज इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने टी राइट इमेज इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद देखो जगह पे आपको करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर डी नन लगा दीजिए, तो डी हाइफन नन ये लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड लगाना है, इसमें इनपुट फील्ड में वैल्यू कीवर्ड डिफाइन करेंगे ठीक है, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल कैसे होंगे, और टी राइट लेबल इसको डिफाइन करना है, टी राइट लेबल इसको डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको हटाना है तरीके से, और यहाँ पर हमें डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल करते हैं तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे टी सॉरी बी राइट इमेज, तो बी राइट इमेज ये डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पर सॉरी बी राइट लेवल होगा, मैंने टी लिख दिया तो बी राइट लेवल साथ, यानी कि बॉटम राइट लेवल। रेगुलर करके टेस्टिंग करेंगे चीज के, तो देखिए सभी में यहाँ पर डेटा है, वो हाइड है इसलिए वहाँ पर दिख नहीं रहा, तो डेटा है इसके अंदर ये दिखे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी डेटा आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी डेटा आएगा, ये दिखेगा इस पर डबल क्लिक करने पर सारा डेटा हमारा दिख रहा है। तो हमने सारा रीड कर लिया, तो अब कभी भी हमारा पेज लोड होगा तो जितना फोटो अपलोड हो चुका है उतना यहाँ पर दिखेगा, यानी कि यहाँ पर उतना फोटो आपको दिख जाएगा। अगर हमें किसी को चेंज करने से सपोज, तो इसको चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाते हैं ऑन चेंज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए जरा मैं फोटो चूज कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, यानी कि डेस्कटॉप लोकेशन पे फोटो पड़ा उस पर जाता हूँ, मेरा डेस्कटॉप हमारा इसके अंदर ई इमेजेस के नाम से फोल्डर है मेरे पास कैटेगरी के नाम से, और यहाँ पर ये वाला फोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैंने ओपन किया इस तरीके से, और ये देखिए सेट पे क्लिक करेंगे तब अपलोड होगा, तो सेट पे क्लिक कर दिए अब वो अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये वाला फोटो आ रहा था, अभी रिलोड करिए जरा यहाँ पर, है ना, ये देखिए फोटो तुरंत यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोबारा आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वही वाला फोटो दिखेगा जो आपने अपलोड कर दिए थे ना यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसमें काम करना है दोस्तों, तो इसमें काम करने के लिए आपको इसके ऊपर वाले फंक्शन में जाना होगा, इसका काम सारा खलास हो गया, इसको मिनिमाइज कर दिए ऊपर की तरफ जाइए, ये हमने मिनिमाइज किया, बड़ी सावधानी से ये कोड कॉपी करके लाएंगे वहां से, ठीक है। ये वाला जो कोड है इसी से आपका सारा काम हैंडल हो रहा है, यानी कि जो फॉर का कोड है यहाँ से लेकर ये जो कोड हमने कॉपी करके पेस्ट किया था इसके अंदर, तो सावधानी से उसको लाना है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आइए जरा ये आपका क्रिएट हेडर शोकेस फंक्शन है ना, तो यहाँ पर आएंगे इसमें काम करना है आपको, तो इसके अंदर आपको आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर ऐड किया था एडिंग बटन, ये हो गया आपका, हो गया अलाइनमेंट। उसके बाद ऐड शोकेस जिसके नाम से यहाँ पर एक कमेंट पास होगा, इसको ढूंढिए जरा, इवेंट डॉट पेमेंट डिफॉल्ट लगा होगा, और यहाँ पर हेडर शोकेस डॉट लेंथ ये डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें करना क्या एक्चुअली,
हमने लेंथ वगैरह चेक किया था, हमें प्रिपरेशन करना थोड़ा, उसके बाद कुछ करना, हमने डायरेक्ट कुछ कर दिया था डेटा, तो उसको हटा दीजिए यहाँ से, थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है? इसको कमेंट कर दीजिए, इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो इसके लिए प्रिपरेशन क्या करना है? कहने का मतलब यह है कि सपोज करो यहाँ पर आ जाइए जरा इस तरीके से, मैंने रिलोड किया, सबसे पहले तो इसको एक्टिव कर लेंगे ताकि उसमें हम काम कर सकें, तो employee.js employee.html के अंदर आइए और एक्टिव देखिए कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, इसको कंट्रोल एक्स करिए यहाँ से और एक्टिव को यहाँ पर लगा दीजिए, बस इतना ही करना है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा ये एक्टिव रहेगा। सपोज करो किसी ने यहाँ से फोटो अपलोड किया, यानी कि डाउनलोड में मेरे पास फोटो पड़ा हो उस साइज का, तो सेम साइज का फोटो लेंगे, यानी कि डाउनलोड में जाता हूँ मैं, इस तरीके से मेरे पास फोटो था वो वाला, ये वाला फोटो मैंने ओपन किया, ठीक है ये हो गया। अब सपोज करो किसी ने यहाँ से टेक्स्ट वगैरह बढ़ाया और यहाँ से इसको भी बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर नहीं बढ़ाया बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर किसी ने लिखा जस्ट फोर, और किसी ने कलर नहीं लिया या किसी ने अलाइनमेंट नहीं सेट किया इस चीज की, तो हम इसको हैंडल करने वाले हैं, यानी कि अगर अलाइनमेंट नहीं सेट हो रहा है और यहाँ पर जो है इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होगा, डिफॉल्ट साइज क्या होगा, डिफॉल्ट कलर होगा, यानी कि डिफॉल्ट चीजों को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने कलर वगैरह नहीं चेंज किया, सपोज करो किसी ने इस चीज से क्लिक करके कलर नहीं चेंज किया, डायरेक्ट उसने एड कर दिया, तो डिफॉल्ट जो कलर है या डिफॉल्ट साइज है या डिफॉल्ट जो चीजें उसको सेट करनी होगी, ताकि हम इसको जो है शोकेस के अंदर जो हमारा स्लाइडर होगा उसको हम अच्छे से कस्टमाइज कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें हमें स्टोर करनी है, उसके लिए आपको कुछ एम्प्टी वेरिएबल बनाने होंगे कुछ करने से पहले, तो एम्प्लॉय डॉट जेस के अंदर आइए फिर से जरा, यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट जेस के अंदर इसको कट करनी है, इसका कोई भी काम नहीं, देखिए हमने अभी कहाँ पर कहाँ से कोड हटाया था, यहाँ से ये कोड हमने कमेंट किया था, इसको हटाया था, तो जब क्लिक होगा यहाँ पर ये देखिए प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा हुआ, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है लेट टाइटल साइज, देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, टाइटल साइज इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, टाइटल हाइफन साइज, ठीक है, ये मैंने एम्प्टी वेरिएबल बनाया, मैंने एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं टाइटल कलर के नाम से, तो टाइटल साइज के बाद आपको यहाँ पर टाइटल कलर इसके नाम से वेरिएबल बनाना है, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए ये जो दोनों एलिमेंट है इसमें जो है टारगेट एलिमेंट के नाम से हमने सेलेक्ट कर रखा है इसको टारगेट से, तो देखिए जरा इसमें क्या क्लास है टारगेट एलिमेंट, इसको कॉपी करेंगे, टारगेट एलिमेंट का अगर 0 इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो ये H1 एक्सेस होगा ऊपर वाला, और 1 इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो नीचे वाला, यानी कि सब टाइटल एक्सेस होगा, तो नीचे की तरफ आएंगे, ये दो वेरिएबल हमने बनाया, यहाँ पर डिफाइन करना आपको टारगेट एलिमेंट का 0 इंडेक्स डिफाइन करिए, डॉट स्टाइल इसमें चेक करिए, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ये चेक करिए, अगर इक्वल टू इक्वल टू अगर एमपीटी के बराबर है, अगर फॉन्ट साइज हमारा एमपीटी के बराबर है तो हम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज डालने वाले हैं, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो टाइटल साइज इसमें डालेंगे, तो टाइटल साइज वाले जो वेरिएबल इसका इस तरीके से, और इसके इक्वल टू में डिफाइन कर देंगे हम, क्या डिफाइन कर देंगे, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कुछ भी रख देंगे हम, मैंने रखा 300%, तो आपको परसेंट में बोल देना इसके इक्वल टू, लेकिन अगर इसके अंदर फॉन्ट साइज है तो वही फॉन्ट साइज निकल के जाना चाहिए, तो यहाँ पर चाहे तो आप इंटर कर सकते हैं इस तरीके से, तो सेम फॉन्ट साइज जाना चाहिए निकल के, तो कॉलर का सिंबल देंगे और फिर से टारगेट एलिमेंट यानी कि यही चीज लिख लेंगे, कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, किसके अंदर जाएगा वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले टाइटल साइज यहाँ पर लिख देंगे, से मैंने टाइटल साइज लिखा और उसके इक्वल टू में इसका साइज निकाल के इसके अंदर अपडेट करूंगा, तो ये जो साइज निकलेगा वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, तो अगर किसी ने यहाँ पर साइज नहीं सेट किया, यानी कि किसी ने इसको छोटा बड़ा नहीं किया, डिफॉल्ट साइज पर रखा, तो डिफॉल्ट साइज क्या रहेगा उसका, 300% रहेगा, ये वाला साइज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सेट किया है, सपोज करो किसी ने इसको आगे पीछे किया है तरीके से, तो डिफॉल्ट उसका जो है जो सेट किया गया साइज है वो चला जाएगा, तो इस लाइन को समझ लीजिए जरा अच्छे से, क्योंकि हम टर्निंग ऑपरेटर टाइप किया, मैंने क्या कंडीशन लगाया वो समझिए, टारगेट एलिमेंट का 0 इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो आपका जस्ट फोर को लिखो ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इसके अंदर से मैंने स्टाइल और उसके अंदर से फॉन्ट साइज एड किया, तो फॉन्ट साइज इसमें कब लगता है, जब इसको आप मूव करते हो, यानी कि इस चीज को जब आप मूव करते हो तब फॉन्ट साइज लगता है, तो वही मैंने चेक किया, अगर किसी ने बिना मूव किया ऐड कर दिया है तो वही मैंने चेक किया है क्या ये मूव हुआ कि नहीं, यानी कि अगर ये मूव होगा तो उसमें फॉन्ट साइज लग जाएगी, तो वही मैंने चेक किया है कि अगर मूव होगा क्या मूव हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर मूव नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा, फॉन्ट साइज नहीं रहेगी, तो वही तो हमने चेक किया है कि फॉन्ट साइज इक्वल टू एम्प्टी, अगर फॉन्ट साइज हमारा एम्प्टी है तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हम डालेंगे इसके अंदर, लेकिन अगर वो चीज मूव हुआ है उसके अंदर फॉन्ट साइज सेट हुआ है, तो जो टाइटल साइज है हमारा उसके अंदर हमने उसी फॉन्ट साइज को एडिट करके डाल दिया, ठीक है, बस आपको इतना करना है, उसके बाद इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से, कलर के लिए भी डिफाइन करना है तो बस इसको कलर के लिए चेक कर लीजिए इस तरीके से, और लास्ट में जाएंगे यहाँ पर आपका टाइटल कलर हो जाएगा, डिफाइन करिए जरा इस तरीके से टाइटल कलर, ये मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर भी हम टाइटल कलर को कर देंगे, ठीक है, तरीके से डिफाइन करिए जरा टाइटल कलर, बड़े ही सावधानी के साथ चेंजेस करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉन्ट साइज की जो है कलर, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो स्टाइल के अंदर से कलर निकलेगा, और लास्ट में आपको टर्मिनेट यहाँ पर कर देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पर भी टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब इन्हीं यानी कि इन्हीं को कॉपी करेंगे, ये आपका हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया टाइटल के लिए हो गया, उस यहाँ पे लिखे कस्टम यानी कि टाइटल, तो इसे में डिफाइन कर दिया टाइटल को, ठीक है, माइनस टाइटल को भी, तो माइनस टाइटल को इसी में डिफाइन किया, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, मैंने कॉपी किया यहाँ पर, देखिए मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके,
इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे। मैंने देखे कहा और जिस तरीके से मैं चेंजेस कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको चेंजेस करना है। यहाँ पर आपको सब टाइटल कर देना, यहाँ पर मैंने लिखा सब और टाइटल का जो टी है वो कैपिटल रखूंगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर लिखूंगा मैं सब टाइटल, तो मैंने डिफाइन किया सब और जो टाइटल का टी है वो कैपिटल रखूंगा। तो मैंने सब टाइटल डिफाइन किया और टारगेट एलिमेंट का वन इंडेक्स यूज करेंगे, यानी कि टारगेट एलिमेंट का वन इंडेक्स यूज करना है। और जहां पर सब टाइटल साइज है वहां पर आपको कर देना है सब टाइटल, यानी कि जो जहां पर टाइटल साइज है वहां पर सब टाइटल साइज कर देना है और यहाँ पर भी आपको सब टाइटल साइज कर देना है बस। उसके बाद यहाँ पर टाइटल का सब टाइटल कलर है उसको चूज करिएगा और यहाँ पर टाइटल कलर तो यहाँ सब टाइटल कलर हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका सब टाइटल कलर हो जाएगा। इस तरीके डिफाइन कर ये चीज। अच्छा इसको जो है थोड़ा इसके बराबर में रखिए, इसको 200% कर दिया यहाँ पर। और टाइटल कलर में देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा है ये, लेकिन इसकी वैल्यू ब्लैक जानी चाहिए। हमने इसके अंदर यहाँ पर ब्लैक डिफाइन करना है और यहाँ पर भी ब्लैक डिफाइन करना है। मैंने गलती से यहाँ पर 300% लिख रखा है, तो यहाँ पर भी ब्लैक कर, यानी कि डिफॉल्ट कलर ब्लैक जाएगा, लेकिन अगर कलर सेट हुआ तो वो कलर निकल के जाएगा। ये देखिए ना, ये कलर निकाला हमें क्लियर है। तो हमने एक तो इसको चेक कर लिया। एक और चीज को आपको एग्जामिन करना होगा, इनकी अलाइनमेंट सेट हुआ कि नहीं, यानी कि यहाँ से जो अलाइनमेंट सेट करते हैं वो सेट किया गया है कि नहीं सेट किया गया, ये भी आपको एग्जामिन करना है। तो इसी कोड को कॉपी कर लीजिए, जरा कंट्रोल सी करते हैं, मैंने कॉपी किया। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे, यानी कि इसके जस्ट नीचे एंटर कर लेंगे ये तो, और यहाँ पर माइनस सब टाइटल लिख दिया, माइनस सब टाइटल ये मैंने लिख दिया ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कमेंट पास करना है ठीक से, माइनस माइनस अलाइनमेंट ये मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने कराया कंट्रोल भी करेंगे। अब आपको क्या क्या चेंजेस करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एच अलाइन डिफाइन करना है, एच अंडर स्कोर अलाइनमेंट डिफाइन करना है तरीके से। और यहाँ पर आपको दूसरा वाला अवेलेबल होगा वो तो आपको डिफाइन करना है वी अंडर स्कोर अलाइन, ये डिफाइन कर देना ठीक ठीक है। ये अलाइन वी अलाइन हो गया। टारगेट एलिमेंट यहाँ पर नहीं यूज होगा, यहाँ पर आपका कौन सा एलिमेंट होगा जिसमें आपका एच अलाइन और वी अलाइन लगता है, तो जो जिसमें एच अलाइन और वी अलाइन लगता है वो आपका है शोकेस हाइफन प्रीव्यू होगा, ये वाला है ना, इसमें आपको डिफाइन करना। कॉपी करेगा कंट्रोल से करके शोकेस प्रीव्यू को, और यहाँ पर आपने ये डिफाइन किया इसको हटाइए यहाँ से, कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल भी कर देना चाहिए ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको एच अलाइन के लिए आपको सेट करना है जस्टिफाई कॉन्टेंट को, यहाँ पर डिफाइन करिए जस्टिफाई कॉन्टेंट, इसको चेक करिएगा। और आपको वी अलाइन के लिए यहाँ पर चेक करना है अलाइन आइटम्स को, यहाँ पर अलाइन आइटम चेक कर लीजिए। अगर जस्टिफाई कॉन्टेंट आपका एमपीटी के बराबर है तो यहाँ पर सब टाइटल साइज नहीं, यहाँ पर लिखिए जरा एच अंडर स्कोर अलाइन, इसमें वैल्यू अपडेट होगा फ्लेक्स स्टार्ट, यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यानी कि यहाँ पर डिफाइन कर देना फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट लिखेंगे ध्यान से। और यहाँ पर एल अलाइन, यहाँ पर एच वी अलाइन होगा, वी अंडर स्कोर अलाइन डिफाइन करिए जरा तरीके से, और यहाँ पर भी आपका फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके और यहाँ पर डिफाइन कर। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे फिर से, यहाँ पर आपको एच अलाइन का, यानी कि एच अलाइन टच करना है तरीके से, और यहाँ पर भी आपको फिर से वी अलाइन टच करना है, तो वी अंडर स्कोर अलाइन इसका कर लेंगे। और देखिए टारगेट एलिमेंट के अंदर से निकाला गया, यहाँ पर आपको शो केस प्रीव्यू, यानी कि जो आपने शुरुआत में लिखा था उसके अंदर से डेटा निकालेंगे। उसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपका हो जाएगा शो केस प्रीव्यू, कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा शो केस प्रीव्यू, ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल के अंदर से जस्टिफाई कॉन्टेंट इसको निकालना है, और यहाँ पर आपको अलाइन के अंदर से यानी कि अलाइन हाइफन आइटम्स इसको निकाल लेना है ठीक है। ये हो गया, तो सारा डेटा हमने चेंज कर लिया। अब हमें इसी को जो है पुश करना है एरे के अंदर। तो यहाँ पर हमने लेंथ चेक किया इस तरीके से, अगर लेंथ हमारा 3 से छोटा है तब हम पुश करेंगे, तो हमारा जो एरे है वो कौन सा एरे है उस किसके अंदर पुश करना है वो ऊपर की तरफ से जाके देखिए, ऑल हेडर शोकेस कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर आपने पुश का कोड किया था। यहाँ पर कंट्रोल भी करिए डॉट पुश फंक्शन को अप्लाई करेंगे, यानी कि पुश इसके डिफाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा यहाँ से पुश करेंगे। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था सबसे पहले आपको टाइटल का, यानी कि टाइटल हाइफन साइज, टाइटल साइज इस तरीके से प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर टाइटल साइज को अपडेट कर देंगे। तो टाइटल साइज इसको अपडेट कर दीजिए इस तरीके से, उसके बाद कॉमा से सबमिट करेंगे। टाइटल कलर, तो टाइटल कलर इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी के रूप में यूज करिए और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा टाइटल कलर, इसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया। उसके बाद कॉमा देंगे सब टाइटल साइज, तो सब टाइटल साइज ये डिफाइन करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर कॉलन का सिंबल देंगे। उसके बाद आपको डिफाइन कर देना है सब टाइटल साइज ठीक है, तो सब टाइटल साइज ये डिफाइन कर देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद सब टाइटल कलर हो जाएगा, तो सब टाइटल कलर ये डिफाइन करिए, कॉलन का सिंबल देंगे। उसके बाद सब टाइटल कलर ये मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद कॉमा से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा सब टाइटल टेक्स्ट, यानी कि सब टाइटल टेक्स्ट आपको लेना है, यानी कहने का मतलब ये जो जस्ट फोर को लिखा गया इसको भी आपको लेना पड़ेगा, और ये जो सब टाइटल लिखा हुआ इसको भी आपको लेना पड़ेगा ठीक है। तो आपको डिफाइन करना होगा यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट, सबसे पहले तो टाइटल टेक्स्ट डिफाइन करिए तरीके से। टाइटल टेक्स्ट मैंने डिफाइन किया, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका जो आपका टारगेट एलिमेंट है, तो टारगेट एलिमेंट का करिए उसके अंदर से 0 इंडेक्स और 3 इंडेक्स डालेंगे तो उसका वैल्यू निकल के इसमें चला जाएगा। कॉमा से सबमिट करेंगे सब टाइटल टेक्स्ट, सब टाइटल टेक्स्ट इस नाम से मैंने वैल्यू बनाया, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम टारगेट का कौन सा इंडेक्स, 1 इंडेक्स यूज करेंगे और इसका इनर एस्टीमेट निकाल लेंगे, तो डॉट इनर एस्टीमेट डिफाइन के इससे निकल के इसमें चला जाएगा। कॉमा दीजिए जरा, इसके साथ आपको डिफाइन करना है, यानी कि इसके साथ आपको फिर से एच अलाइन और वी अलाइन, तो एच अंडरस्कोर अलाइन इसको सेट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर एच अलाइन डिफाइन कर लीजिए। तो हमने वैल्यू बना रखा है, कॉमा से सेपरेट करिए,
उसके बाद वी अंडरस्कोर अलाइन डिफाइन करिए, तो वी अलाइन मैंने डिफाइन किया और यहाँ पर हम वी अलाइन को रिपेयर कर देंगे, तो वी अंडरस्कोर अलाइन ये मैंने रिकल कर दिया। उसके बाद आपको इमेज यू आर एल, तो इमेज यानी कि टाइटल इमेज जिसको डिफाइन करिए, टाइटल इमेज इसके नाम से प्रॉपर्टी मैंने बनाया और यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा यू आर एल। तो यहाँ पर हम देखिए ये यू आर एल कौन सा है, यानी कि जो हमने यू आर एल लिखा है ये कौन सा है, ऊपर की तरफ हमने बना रखा है, ऊपर की तरफ जाएंगे जब तो यहाँ पर देखिए जरा नहीं बना हुआ है, तो इसका हमने कहीं ना कहीं देखिए ये हमने कहाँ पर देखिए जरा ये देखा अपलोड इमेज ये वाला है, इसको ओपन करिए। यदि हमने यू आर एल के नाम से एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया जरा कंट्रोल सी करके, और इसके सामने से ये लेट हटा देंगे, लेट हटा देंगे सिर्फ यू आर एल कर देंगे, ठीक है। और ये जो इसका डिक्लेरेशन हम सबसे ऊपर यहाँ पर कर देंगे, यानी कि इसका डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर ऊपर किया और एम्प्टी डिफाइन करके इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर नीचे आ जाइए जहाँ पर आप काम कर रहे थे, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी सेट किया था। तो यहाँ पर देखिए हम ये चेक करेंगे कि अगर यू आर एल की वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी है तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई फोटो सेट करेंगे, यानी कि अपनी तरफ से हम कुछ फोटो सेट करने वाले हैं। तो इमेजेस के अंदर से, यानी कि जो इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर से, तो कॉमन फाइल के अंदर इमेज है तो कॉमन फाइल के अंदर जाइएगा, कॉमन फाइल के अंदर जो इमेजेस है उसके अंदर से हम डिफाइन करेंगे कि अवतार डॉट पी एन जी, सॉरी अवतार डॉट वेबपी, फोटो का नाम वेबपी है ये डिफाइन कर देंगे, ये स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज इसके अलावा आपका यू आर एल चला जाएगा। अगर फोटो किसी ने अपलोड नहीं किया है, सपोज करो कोई यहाँ से फोटो अपलोड नहीं किया, जैसे अभी यहाँ पर आता हूँ मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा जस्ट फोर कोड, यानी कि मैं फोटो अपलोड नहीं करता हूँ यहाँ से, मैंने लिखा जस्ट फोर कोड इस में लिख दिया और यहाँ पर मैंने सब टाइटल डाला, यानी कि जो सब टाइटल उसको मैंने डाल देते हैं, ठीक है। और मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने फोटो अपलोड नहीं किया, तो फोटो जब अपलोड नहीं करेंगे तो उस केस में ये वाला फोटो जाएगा। अब ये वाला फोटो कहाँ है, ये कॉमन फोल्डर के अंदर, कॉमन फोल्डर के इमेजेस, और इमेजेस के अंदर से अवतार डॉट वेबपी ये वाला फोटो मैंने लिया है, ठीक है, उसका लोकेशन दे दिया। लेकिन अगर किसी ने फोटो अपलोड किया है तो अपलोडेड फोटो चला जाएगा, यानी कि जो फोटो अपलोड किया जाएगा वही चला जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा इसके अंदर, ये हो गया। उसके बाद आपको बटन को भी डिफाइन करना है, तो बटन के नाम से एक वेरिएबल बनाइए, यानी कि जो बटन हम स्टोर करते हैं उसको यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे। और देखिए बटन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लास्ट में तो सबसे पहले कॉमा से सेपरेट कर देंगे, एंड में जाइए जरा इसके कॉमा यहाँ पर छूट गया था उसको लगा देंगे। बटन के नाम से प्रॉपर्टी मैंने सेट किया, अब इस बटन में क्या जाएगा, बटन में देखिए जो आप यहाँ पर बटन बनाते हो ना, यानी कि जो बटन बनाते हो ऐड पर क्लिक करके बाद यहाँ पर बटन बनता है, वो किसके अंदर अपेंड होता है उसका इन एचटीएमएल निकाल के डालेंगे। तो ऊपर की तरफ जाइए जरा, जो वेरिएबल आपने बनाया था मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं डिमांड कर देता हूँ। आपने बनाया था बीटीएन बॉक्स के नाम से, टाइटल बॉक्स ये हो गया, टाइटल बटन बॉक्स इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, टाइटल बटन बॉक्स इसके अंदर से इनर एचटीएमएल निकालेंगे तो सारा बटन चला जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल भी करिए और इसी के अंदर से डॉट इनर एचटीएमएल निकालते हैं, तो इसके अंदर जितना भी बटन होगा वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रिम को भी अप्लाई कर दीजिए, ट्रिम से क्या होगा कि जो व्हाइट स्पेस आएगा वो रिमूव कर दिया जाएगा, ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको ये दोनों लाइन को अनकमेंट कर देना, इससे आपका एड होने लगे, तो मैंने इसको अनकमेंट कर, तो इतना सारा प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए सेट करना है, ठीक है। अब ये क्यों सेट करना पड़ा हमें, हमने जो पहले कोड किया था उसको हम क्यों नहीं यूज कर सकते थे, वो आपको जब यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले हमने पूरा इनर एचटीएमएल स्टोर कर दिया था, इससे पहले जब हमने स्टोर किया था तो पूरा पूरा इनर एचटीएमएल ही हमने स्टोर कर दिया था, इसके वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको चेंज किया थोड़ा, तो अब हम सबमिट पे क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पर आके यानी कि जो सबमिट है उस पर क्लिक करके देखेंगे, तो मैंने रीलोड किया इस तरीके से और यहाँ से मैंने फोटो चूज कर लिया, यानी कि यहाँ से मैंने फोटो चूज किया। कौन सा फोटो चूज करेंगे हम, ये वाला, यानी कि जो आपका साइज प्रिपेयर होगा वही फोटो चूज करेंगे। और देखिए टाइटल में थोड़ा सा मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, इस सेक्शन में लिखा जस्ट फॉर कोड, ठीक है, मैंने ये लिखा। अच्छा एक और चीज, अगर हम अभी एड एड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ओनली थ्री स्लाइडर अलाउड ये मैसेज आएगा, इंस्पेक्ट करके सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे। तो एप्लीकेशन में जाइए जरा इस तरीके से, यानी कि एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज के अंदर है, लोकल स्टोरेज के अंदर से जाएंगे इस तरीके से, और जो आपका ऑल हेडर शोकेस डेटा होगा इसको डिलीट कर देंगे। देखिए हमने पूरा पूरा इन एस्टिमेट स्टोर किया था ये, देखिए ठीक है। अच्छा तो इसको डिलीट कर देंगे, यानी कि जो ऑल शोकेस डेटा होगा इसको हम डिलीट कर देंगे, तब जाके यहाँ पर डेटा आएगा। तो ऑल हेडर शोकेस, ध्यान से देखिए ऑल शोकेस डेटा को नहीं डिलीट करेंगे, ऑल हेडर शोकेस डेटा इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर रिलोड करके आप इंसर्ट करेंगे, तो रिलोड कर लेंगे तब इंसर्ट करना शुरू करेंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैंने लिखा यानी कि फोटो चूज कर लेंगे सबसे पहले, तो मैंने ये वाला फोटो चूज किया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जस्ट फॉर कोड ये मैंने लिखा। यहाँ पर सब टाइटल का मैं सब टाइटल की जगह पे लिख देता हूँ ऑल इन वन बैच, BATC बैच मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, मैंने फॉन्ट साइज बढ़ाया इस तरीके से, डबल क्लिक करेंगे कलर भी चेंज कर देते हैं, तो मैंने इस तरीके से इसका कलर भी चेंज कर दिया, ये मैंने कलर चेंज किया, ये वाला कलर रखता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ा और फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका, मैंने डबल क्लिक करके डीसेलेक्ट कर लेंगे इसको भी थोड़ा सा, इसको यहाँ पर मैनेज करेंगे कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, तो मैंने ये वाला कलर रखा इसका, देखते हैं कैसा लगता है। ये मैंने कलर रखा, डबल क्लिक कर डीसेलेक्ट हो जाएगा। बटन ऐड करना होगा, तो यहाँ पर मैंने फॉलो के नाम से एक बटन ऐड किया इस तरीके से, यानी कि फॉलो इसके नाम, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख देना है फॉलो, फॉलो ये मैंने लिखा। यू आर एल मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद मीडियम डिफाइन करिए, यू आर एल आप डिफाइन करिए मत डिफाइन करिए कोई इशू नहीं उससे। मैंने कलर डिफाइन किया और इसका जो कलर है वो मैंने व्हाइट कर दिया, ठीक है।
इस पे क्लिक करेंगे ऐड पे तो एक बटन ऐड होगा, एक और बटन मुझे ऐड करना है सब्सक्राइब के नाम से, तो मैंने डिफाइन किया सब्सक्राइब, इस सेक्शन में बटन ऐड किया और यहाँ पर मैंने मीडियम डिफाइन किया। उसके बाद आपको कलर थोड़ा चेंज करना है, तो मैंने ये वाला कलर रखा, कलर का यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट ही रहेगा, मैंने ये डिफाइन किया। ये देखिए दो बटन बन गया यहाँ पर, और ऐड शो के इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए डेटा हमारा ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा आलोक कुमार, इसी में लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, मैंने आलोक कुमार लिखा और ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुमन, सुमन भाटिया या कुछ भी लिख देंगे, सुमन मैंने मिश्रा लिख दिया, सुमन मिश्रा इससे मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये ऐड हो गया, ठीक है, तीन डेटा ऐड हो जाएगा। फिर से दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए थ्री स्लाइडर आर अलाउड, ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसके लिए डेटा जो हमने पहले स्टोर किया था वो गलत था, वो सही नहीं था, उसका हम यूज नहीं कर सकते थे, इसके लिए हमें इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ा, इस तरीके से हमें डेटा स्टोर करना है। आई होप आप लोग का क्लियर होगा, कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फोर कोड, सी यू सून। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे।